आज बहुत ही पवित्र दिन है और रुचनदास ठाकुर ने जो भजन गाया तो सबसे पहले प्रभु जी ने भजन सुनाया। लेकिन शाम को हम लोग भजन इसलिए नहीं गाते क्योंकि बाहर के जो पब्लिक हैं वो नहीं गा पाते उस तरह से, और उनका अभ्यास भी नहीं, गाने का अभ्यास भी नहीं है। तो इनका जो भजन है, रोचनदास ठाकुर का जो भजन जो उन्होंने गाया है, ये प्रभुपाद को बहुत प्रिय था। क्या? प्रभुपाद को बहुत प्रिय था। परम करुण बहु द्विजन निताई गौर चंद्र, ये जो शब्द हैं तो इन शब्दों में इतना भाव है कि प्रभुपाद जो है उस भाव के समुद्र में डूब जाते थे। शब्द तो बिल्कुल सरल हैं, बहुत सरल हैं, परम करुण, ठीक है ना, परम करुण है ना। पहु द्विजन, पहु का मतलब है प्रभु, बंगाली में प्रभु को बोलते हैं पहु। तो प्रभु द्विजन, दो प्रभु, परम करुण है। निताई गौरचंद्र, निताई गौरचंद्र जो है जिनका हम दर्शन करते हैं, तो जो लोचनदास ठाकुर ने गाया प्रभुपाद ने उनको ही जो है यहाँ स्थापित किया। तो गौर निताई के बहुत अर्चा विग्रह स्थापित किए प्रभुपाद ने। गौर निताई की इतनी महिमा है कि कोई व्यक्ति अगर ना भी जाने और उसके जो है घर में या कहीं दुकान में बस इनकी ऐसी ही मूर्ति, चाहे छोटी सी मूर्ति हो जो इस प्रकार से हाथ किए हुए हैं गौर निताई, अगर कोई रखता है तो भी उसकी बड़ी रक्षा होती है। कोई ना जाने कि वह ऐसे देखेगा कौन है, हैं? वो नहीं जानता कौन है। लेकिन अगर वो अपने पास रखता है तो भी जो है बहुत रक्षा होती है, बहुत मंगलकारी। परम करुण बहु द्विजन निताई गौर चंद्र। और लोचनदास ठाकुर इतने विनम्र हैं, हमारे ऐसे ही आचार्य होते हैं कि बहुत विनम्र होते हैं, तो उन्होंने अपने को इतना नीचा बताया कि मेरी रुचि नहीं जगी, नित्यानंद के चरणों में मेरी रुचि नहीं जगी। क्या कह रहे हैं? नित्यानंद प्रभु के चरणों में मेरी रुचि नहीं जागी, है ना। अब देखिए वो अगर ऐसा कहें तो फिर हम अपने को क्या कहें, हम क्या हैं। वे इतने महान आचार्य हैं कि जिन्होंने उनकी महिमा में किताबें लिखी। चैतन्य मंगल तो इतना दिव्य ग्रंथ है कि वो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस बहुत गाया जाता है, और वैसे भी गाया जाता है, बड़ी मधुर आवाज़ में गाया जाता है, और फिर उसको जो है कई प्रकार के जो संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं उनके साथ भी गाया जाता है। रामचरितमानस बड़ा लोकप्रिय है और इसकी कथा जो है मतलब होती है, तो कभी थोड़े से लोग बैठे हैं तो भी इनकी कथा होती है, कभी बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठे होते हैं तो भी कथा होती है। तो उसी प्रकार से नरहर सरकार ठाकुर जिनके गुरु थे लोचनदास ठाकुर के, तो उन्होंने आज्ञा दी थी इनको, लोचनदास ठाकुर को आज्ञा दी थी कि बड़ी सरल बंगाली में भगवान चैतन्य की लीलाओं का जो है वर्णन करो। तो इन्होंने जो है जो ग्रंथ लिखा चैतन्य मंगल, तो इसमें जो बंगाली के शब्द हैं वो बड़े सरल हैं, बड़े सरल हैं, और इनमें बहुत मधुरता है। बंगाल में जो है ऐसे कई जो है गायक लोग होते हैं जो कि स्थान स्थान पर जो है जाते हैं और इस चैतन्य मंगल का गान करते हैं, और श्रोताओं को जो है बहुत आकर्षण होता है। चैतन्य मंगल में जो है श्रोताओं को बहुत आकर्षण होता है ना। तो इन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा, है ना।
और अपने को क्या कहते हैं है? कि मैं विषय सुख में डूबा, अपने को कहते हैं मैं विषय सुख में डूबा, जबकि कैसे हैं, इतने शुद्ध है, इतने शुद्ध हैं कि स्त्री के संबंध में कोई जो है चिंतन ही नहीं किया, इतने शुद्ध हैं। जब नरहर सरकार ठाकुर के अनुगत्य में शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे तो अपने घर को भूल गए, अपने माता पिता को भूल गए, और पत्नी तो बहुत दूर, पत्नी की तो बात ही बहुत दूर है। इनका विवाह है बचपन में हुआ था, तो कोई ज्ञान ही नहीं था, स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं था जब विवाह हुआ था, है ना। और अब जो है वे जवानी की अवस्था में है, जवानी की अवस्था में भी बचपन से ही किसी व्यक्ति के अगर बड़े प्रबल संस्कार हो जाएं कि भक्ति के बहुत प्रबल संस्कार हो जाएं, तो जवानी में उसकी बहुत सुरक्षा होती है, जवानी का कुछ है पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से जो है ये अपने जो है घर से विरक्त थे और पत्नी से भी विरक्त थे, है ना। लेकिन इनकी पत्नी सब अपने मायके में रहती थी, तो माता पिता को जब चिंता हुई, तो माता पिता को चिंता हुई तो वो चिंता भी उचित है, उन्हें भी जो है इस बात से कोई दुख नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी कि उनका जो दामाद है वो नरहर सरकार ठाकुर के अनुगत्य में शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है। इतने उदार थे, सोचिए ऐसे कोई हो सकता है क्या कि कोई व्यक्ति जो है अपने दामाद के विषय में वो जो है जरा भी शिकायत ना करे। इनकी पत्नी के जो माता पिता थे, इनके सास ससुर थे, तो उनको कोई शिकायत नहीं थी। नरहर सरकार ठाकुर के साथ में उनका दामाद है और वो जो है अपना जीवन पवित्र कर रहा है और भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो सोच करके ही जो है वे पूर्ण संतुष्ट थे। कितना गुण सास ससुर का, कितना गुण, और माता पिता का भी ऐसे ही गुण, माता पिता भी ऐसे ही थे कि वो भी उनके घर में भी एकमात्र संतान थे, ये एकमात्र संतान थे, लेकिन वो भी जो है घर से दूर रह रहा है और अपने माता पिता को भूल गया है, तो भी माता पिता बहुत संतुष्ट है। उनका पुत्र हमको भूल गया, माता पिता सोचते हैं कि हमको भूल गया और नरहर सरकार ठाकुर के साथ जो है ये शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, तो ये भी हमारा सौभाग्य है। माता पिता भी सोचते हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं, ऐसे माता पिता कहाँ होते हैं आप सोचिए। और कोई जो है माता पिता का जो है पुत्र अगर आ जाए इस कोण में आ जाए, है ना, तो कई माता पिता फिर जो है बहुत उद्विग्न होते हैं और बहुत शिकायत करते हैं, यहाँ भी झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं कि हमारे पुत्र को आपने रख लिया। लेकिन शिक्षा लेनी चाहिए, माता पिता को शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर उनका पुत्र जो है अगर इस्कॉन में आ जाए और फुल टाइम बन जाए, है ना, तो क्या होता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, तो संपूर्ण कुल पवित्र हो जाता है। वो नहीं सोचते माता पिता को जो है ये सब विचार ही नहीं होता, और उनका पुत्र अगर शराबी जुआरी बन जाए तो कोई शिकायत नहीं है। अगर जो है भक्त बने भगवान का और भजन में जो है अगर लग जाए, है ना, तो फिर शिकायत होती है ना। प्रभुपाद के भी जो है संपर्क में जो लड़के आए, हिप्पी थे और सड़कों में जो है पड़े हुए, कुत्ते की तरह जीवन, बहुत अशुद्ध, है ना स्नान करना और ना मुंह धोना,
हैं, और जो है व्यभिचार, मांसाहार, नशा, उसी में डूबे हुए। तो माता पिता को कोई शिकायत नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने उनको अपना शिष्य बनाया है, और उनको जो है स्वच्छ किया, उनको वैष्णव बनाया है, और बड़े अच्छे तिलक धारण करके और गेरुआ वस्त्र धारण करके वो जो है मतलब भक्त बन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो माता पिता को शिकायत होती है और प्रभुपाद के विरुद्ध उनको जो है बड़ी शिकायत हुई है ना, कि इन्होंने जो हमारे पुत्र को जो है ले लिया है ना। तो ये जो है बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है माता पिता के लिए है ना। कि कुछ ऐसे माता पिता भी होते हैं कि अपना बड़ा सौभाग्य मानते हैं, और वास्तव में बड़े सौभाग्य की बात है ना। तो इनके पिता थे कमलाकर, एकमात्र संतान थी, लेकिन इनके पिता को भी जो है केवल इतना ही जिज्ञासा थी नरहर सरकार से कि वे निर्णय करें कि क्या उचित है क्या अनुचित है। उनका जो पुत्र है वो तो अच्छी बात है कि नरहर सरकार ठाकुर के साथ में अध्ययन कर रहा है, उनके अनुगत्य में अध्ययन कर रहा है, लेकिन जो उनकी पुत्र वधु है वो जवान हो गई है ना। तो जवानी में जो सुरक्षा होती है वो पति के ही द्वारा होती है ना। तो हमारा पुत्र जो है अब उसके ऊपर ये भार है, उनकी पुत्र वधु का भार उनके पुत्र के ऊपर है। तो नरहर सरकार ठाकुर ने जो है जो फिर विचार किया, तो उनको भी लगा कि हाँ इनके माता पिता का जो है विचार सही है, और उन्होंने आज्ञा दी कि ठीक है तुम अपने ससुराल में जाओ और अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर में जाओ और वहीं रहो, पत्नी के साथ रहो। अब गुरु की आज्ञा, अब इनकी भी कितनी महिमा है, लोचनदास ठाकुर की कितनी महिमा है कि गुरु की आज्ञा है, लेकिन इनकी तो इच्छा नहीं, ससुराल जाने की इच्छा नहीं है, पत्नी को लेकर के अपने घर में रहने की इच्छा नहीं है, ये तो विरक्त जीवन बिताना चाहते हैं। गुरु की आज्ञा है तो गुरु की अवज्ञा कैसे करें, तो गुरु की जो है आज्ञा से अपने ससुराल में जाते हैं। लेकिन गुरु से जब कहा था कि मेरी इच्छा तो नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं विरक्त रहूँ, तो नरहर सरकार ठाकुर ने कहा कि ठीक है तुम जाओ और भगवान चैतन्य तुम्हारी रक्षा करें, भगवान चैतन्य तुम्हारी रक्षा करें। और भगवान चैतन्य की इच्छा से ऐसा ही हुआ कि जो इनकी पत्नी थी, तो ये तो पहचानते नहीं थे, बचपन में शादी हुई थी तो बड़ी हो गई तो पहचानते नहीं थे, उसको इन्होंने माता कहा। तो भगवान चैतन्य की ही जो है ये योजना थी, ऐसा योग बनाया भगवान ने कि इनको एक वही स्त्री मिली जो इनकी ही पत्नी थी, और उसको इन्होंने माता कहा है, और पूछा कि हाँ अपने ससुर का नाम बताया कि उनका घर कहाँ है। और जब बाद में पता चला कि यही मेरी पत्नी है, तो देखो पत्नी का भी जो है कितना गुण है कि पत्नी भी जो है इस कार्य से जो है वो सहर गई कि ये मेरे पति हैं, इन्होंने मुझे माता कहा, वो भी सहर गई। और ये भी जो है बहुत सहर गए है ना। देखो कितना जीवन पवित्र है, कितना ऊंचे धरातल पर जो है इनका जीवन है कि मुँह से अगर माता निकल गए पत्नी के लिए, तो इस पर बहुत विचार कर रहे हैं, मतलब मुँह से अगर निकल गया कोई शब्द, इतने अधिक सत्य के जो है ये चलने वाले थे, सत्य का पालन करने वाले थे, कि मुँह से भी अगर कुछ निकल जाए कोई बात, तो फिर उनकी चिंता हो जाती है कि वो कैसे सत्य होगी, कितनी चिंता है ना। तो इन्होंने जो है अपनी पत्नी के साथ विचार किया कि मेरे मुँह से जो है तुम्हें माता निकल गया है, अब क्या करना है। पत्नी बोली कि ठीक है अगर आपके मुँह से ऐसा निकल गया है तो फिर आप जो है उसी का पालन करो, आप जो है मुझे फिर जो है पत्नी का संबंध आप ना बनाइए,
लेकिन मैं आपकी सेवा में फिर भी मुझे रखिए, मुझे अपनी सेवा में रखिए, मैं भी शरीर की भूखी नहीं हूँ, भोगों की भूखी नहीं हूँ, हाँ मैं तो आपकी सेवा में रहूँ, आपकी सुरक्षा में रहूँगी। तो पत्नी को सुरक्षा भी पूरी प्राप्त हुई और दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, है ना। तो ये जो है ऐसा भी जीवन होता है, हर कोई गृहस्थ में जो है अगर इस प्रकार से अगर जीवन जिए तो हमारे आचार्य हैं ऐसे कि ऐसे भी उन्होंने जीवन जिया है, तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो बहुत बड़ा गुण है। कोई कहे कि नहीं नहीं तो ये तो बहुत दोष है, बहुत बड़ा दोष है। हाँ वो दोष हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में रहे हैं और दिखावा करे है कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और मन में जो है फिर बड़ी जो है बेचैनी होती है या बड़ा जो है अशांति होती है, और उसकी भोगों की इच्छा बनी हुई है और वो फिर बलपूर्वक उनको रोक रहा है और इससे जो है उसका फिर जो है मन ही जो है अशांत रहता है हमेशा, और वो कोई फिर कार्य ही नहीं कर पा रहा है ना, तो वो फिर जो है निंदा की बात है। लेकिन अगर मन पूरी तरह से शांत है और विरक्त है और पति पत्नी दोनों ही जो है उसी दिशा में चलने वाले हैं कि भगवान का भजन करना है तो सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा है ना। तो ये इस प्रकार का एक उदाहरण कुंती महारानी के भी जीवन में मिलता है कि अर्जुन जो है जब द्रौपदी को जीत करके ले आए तो द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने ही जो है वो मछली का लक्ष्य भेदन किया और द्रौपदी को लेके आए। कुंती महारानी उस समय जो है विश्राम कर रही थी, बहुत थकी थी, और अर्जुन बोले माता देखो आज मैं कैसा पुरस्कार लेके आया हूँ, मैं आज एक विशेष पुरस्कार लेके आया हूँ या विशेष भिक्षा लेके आया हूँ, देखो। तो द्रौपदी के लिए अर्जुन ने इस प्रकार बोला और कुंती महारानी जो है चूँकि थकी थी तो वो जो है लेटे लेटे बोली कि ठीक है बेटा तुम जो भी पुरस्कार है जो भी भिक्षा लाए हो तो पांचों भाई मिल करके बांट लो। अब अर्जुन बड़े चिंत हो गए, अरे माँ तुमने क्या कह दिया। और जब कुंती महारानी उठी और जब देखा कि तो द्रौपदी है तो फिर वो भी चिंतित हो गई कि मैंने क्या कह दिया। कितना जो है जीवन इनका मतलब पवित्र है, कितना पवित्र जीवन है कि मुँह से अगर निकल जाए गलती से है ना, तो हम लोगों के लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ हो गया अच्छा तो मैंने ऐसा समझा था, कोई बात नहीं, वो तो पत्नी है ना, पत्नी को थोड़ी बांटा जा सकता है पांच भाइयों में। लेकिन कुंती महारानी के मुंह से निकल गया तो बड़ी चिंता कर रहे हैं, है ना। और फिर जो है युधिष्ठिर महाराज ने भी कहा कि नहीं माता तुम्हारे मुंह से निकल गया है तो ऐसा ही होगा, हम पांचों भाई द्रौपदी के साथ विवाह करेंगे। और ब्यास जी आते हैं, ब्यास जी वहाँ पर आकर के और अनुमोदन करते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक है, तो आपके मुंह से निकला है तो ये द्रौपदी का पहले से ही ये निश्चित हो चुका है, पिछले जन्म से ही निश्चित हो चुका है कि पांचों भाइयों की पत्नी बनेगी। और ब्यास जी जो है फिर महाराज द्रुपद को भी समझाते हैं, द्रौपदी के पिछले जन्म की सब बातें बताते हैं कि नहीं इसका विवाह पांचों भाइयों के साथ होगा। तो इस प्रकार से ये जो है मतलब मुँह से कोई बात निकल जाए तो फिर वो उनकी पत्थर की लकीर होती है कि वो उसको फिर सत्य करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी ऐसे ही चरित्र है, 3 वर्ष की आयु थी, कितने 3 वर्ष की आयु थी, तो 3 वर्ष की आयु में इतने छोटे बच्चे, तो घर में टोकरी भर आम आए थे तो आम को जो है बच्चे ने खा लिया, तो कौन बच्चा नहीं खाता है, आम खा लिया है ना। और भक्ति ठाकुर ने बड़े प्यार से समझाया बच्चे को कि नहीं नहीं ऐसे नहीं आम खाया जाता है, भगवान को पहले भोग लगाया जाता है,
है ना। तो इस बच्चे ने भी अपना इतना दोष माना, इतना बड़ा दोष माना कि इस बच्चे ने जो है अपने को ही दंड दिया इस अपराध का, अपने को दंड दिया कि मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। 3 साल की आयु में, सोचिए 3 साल की आयु में ये जो है प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा, सोचिए। और जीवन भर जो है आम नहीं खाया, सोचिए। जबकि आम देख करके ही जो है मुंह में पानी आता है, है कितना मीठा आम खाने की इच्छा होती है। और इनके शिष्य जो है जब आम देते थे तो अपने शिष्यों के सामने कहते थे, नहीं मैं आम नहीं खा सकता, मैं अपराधी हूँ। अपने को अपराधी कहते थे, क्या अपराध कितना जो है जीवन जो है इनका ऊंचे धरातल पर, कितने ऊंचे धरातल पर है, है ना। तो ये जो है मतलब बातें हैं समझने की कि कितने जो है ऐसे महान पुरुष होते हैं कि जो किसी बात को अगर मतलब उनके मुंह से निकल गई, गलती से भी निकल गई, तो उससे भी जो है वो क्या करते हैं, उसको भी सत्य करते हैं। उसको सत्य करने के लिए उनको जो है चाहे जितना भी कठिनाई हो, सब कठिनाइयों को जो है वो जो है सामना करते हुए अपने वचन को सत्य करते हैं। तो आज जो है लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, उन्होंने चैतन्य मंगल लिखा, हमारे सर्वमंगल निमाई प्रभु ने आज प्रवचन दिया। तो सर्वमंगल निमाई का मतलब क्या है, जो नित्या निमाई चैतन्य महाप्रभु सब प्रकार का मंगल करते हैं, एक प्रकार का नहीं सब प्रकार का मंगल करते हैं। तो चैतन्य मंगल जो है ऐसे ही सब प्रकार का मंगल है ना, एक प्रकार का नहीं। और भगवान ही मतलब सब प्रकार का मंगल तो भगवान ही कर सकते हैं, और भगवान ही जानते हैं कि अमंगल इधर से भी आता है, उधर से चारों दिशाओं से मंगल आते हैं। और कलयुग ऐसा है ये कलयुग दोष निधे राजन, तो ये दोषों का जो है समुद्र है, तो हम अमंगल के समुद्र में डूबे हुए हैं। तो हर प्रकार के अमंगल आते हैं, है ना, जिसमें कि अशुभ और अनिष्ट है, कई प्रकार की जो है घटनाएं जो हमारे होने वाली हैं, हमारे साथ होने वाली हैं, हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम उनकी कथा सुनते हैं, उनका नाम लेते हैं, चैतन्य का और नित्यानंद का अगर नाम लेते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तो हम नहीं भी जानते लेकिन हमारी रक्षा होती है। हम नहीं जानते कितने प्रकार के अमंगल हैं संसार में, कई प्रकार के अमंगल हैं, कई प्रकार की दुर्घटनाएँ होती हैं, चलते चलते होती हैं, आगे से होती हैं, पीछे से होती हैं, कई प्रकार के जो है ऐसी घटनाएं होती हैं जो अनिष्ट होती हैं, लेकिन बहुत रक्षा होती है ना। तो भगवान जो है इस प्रकार से हैं कि बहुत मंगलकारी हैं। और जो चैतन्य मंगल जो लोचनदास ठाकुर ने लिखा, वो अपने आप में एक विशेष ग्रंथ है। चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र है, लेकिन इसमें विशेष रूप से सिद्धांत की चर्चा है। चैतन्य भागवत है तो वो चैतन्य महाप्रभु के है जीवन चरित्र के जो बाल लीलाएं हैं उनका जो है विशेष उसमें वर्णन है। लेकिन जो चैतन्य मंगल है इसमें कुछ और भी अलग से लीलाएं हैं जो कि जिनका वर्णन चैतन्य भागवत में भी नहीं है, चैतन्य चरितामृत में भी नहीं है, लेकिन लोचनदास ठाकुर ने लिखा है। तो लोचनदास ठाकुर का ये लिखा हुआ जो ग्रंथ है ये वास्तव में भगवान चैतन्य ने ही इनसे लिखवाया, नहीं तो ऐसे संभव नहीं है। निर्हय सरकार ठाकुर की कृपा से उनका आदेश था तो उस शक्ति से इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है तो वो जो है बहुत ही दिव्य है, अलौकिक है। इसमें जो कथा है वो बहुत ही प्रिय है, रुचिकर है। इन्होंने बहुत रोचक तरीके से इस चैतन्य मंगल में चैतन्य कथा का वर्णन किया है। और फिर इन्होंने ये भी पढ़ा कि नित्यानंद प्रभु की उसमें ज़्यादा महिमा नहीं आई, तो इन्होंने सोचा कि ये भी एक अन्याय हो गया है मेरे से कि नित्यानंद प्रभु की उतनी महिमा का वर्णन मैंने नहीं किया,
चैतन्य मंगल ग्रंथ में। तो अलग से फिर इन्होंने बहुत से गीत लिखे हैं जिसमें नित्यानंद प्रभु की विशेष महिमा है, है ना। तो आज जो है लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, तो हम जो है उनकी कृपा के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन में इन महापुरुषों की कृपा का द्वार सीधे खुला रहता है कि हम जो है इनसे सीधे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन जो है हम प्रार्थना करें, हम कृपा की हम जो है प्रार्थना करें, कृपा का एक बिंदु जो है अगर प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री लोचनदास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री लोचनदास ठाकुर की जय।